जय माता दी। दोस्तों, जैसे कि सब जानते हैं, नवरात्रि शुरू हो चुकी है। इस दौरान हर भक्त माँ की भक्ति में डूबा रहता है और पूरा दिन माँ का ही ध्यान करता है। और ऐसे में जब वो सोता है तो माँ सपने में भी आ जाती हैं। हालांकि सपने देखना आम बात है और ज्यादातर लोग सपने देखते भी हैं। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि सपने में हम वही चीजें देखते हैं जो पूरे दिन हमारा दिमाग सोचता रहता है। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ का सपने में आना या खास चीजें सपने में दिखना खास संकेत देता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान माता रानी का सपने में आना किस बात का संकेत है। तो आइए जानते हैं। अगर नवरात्रि में आप सपने में माँ दुर्गा को शेर पर सवार होकर आते हुए देखें, तो ये आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत का संकेत देता है। ऐसा सपना बताता है कि जीवन में सकारात्मकता आने वाली है और कोई सुखद बदलाव होने वाला है। साथ ही ऐसा सपना आए तो जातक को शत्रुओं पर विजय मिलती है। सपने में सुहाग का सामान जैसे चूड़ी, सिंदूर या लाल चुनरी देखना बताता है कि आपका या तो विवाह होने वाला है, और अगर आप विवाहित हैं, तो वैवाहिक जीवन में आने वाली सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नवरात्रि के दौरान सपने में हाथी या गजराज को देखना या फिर हाथी पर सवार माँ दुर्गा को देखना ये संकेत देता है कि आपको बड़ा पद, प्रतिष्ठा, यश मिल सकता है। या सपने में आप माँ दुर्गा को देखें तो ये बेहद शुभ संकेत है। ये सपना बताता है कि माँ दुर्गा आप पर मेहरबान है। साक्षात माँ दुर्गा की कृपा आप पर है और आपको हर दुख से निजात मिलेगी, साथ ही जीवन में हर सुख मिलेगा। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में माँ दुर्गा की मूर्ति देखना शुभ माना जाता है। जीवन में चल रही कई परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। मानसिक शारीरिक समस्याओं से निजात मिलती है। इसके साथ ही नौकरी व्यापार में अपार सफलता के साथ धन लाभ मिलने के आसार होते हैं। सपने में माँ दुर्गा का मंदिर देखना भी काफी शुभ माना जाता है। काफी समय से चली आ रही इच्छा अब पूरी हो सकती है। कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही कई तरह की मुश्किलों से निजात मिलेगी। बताते चले, सपने में माँ दुर्गा की आरती करते हुए देखने का मतलब है कि कोई बड़ी समस्या का समाधान मिलने वाला है। आशा की एक नई किरण उत्पन्न हो सकती है। भविष्य में आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। व्यापार, नौकरी, विवाह में भी लाभ मिलने के आसार हैं। अगर कोई व्यक्ति माँ दुर्गा को लाल वस्त्र में देखता है तो इसका मतलब है कि आपका भविष्य अच्छा होने वाला है। साथ ही संतान की ओर से भी खुशी की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी नवरात्रि में ये संकेत मिले तो समझ लीजिए, आप पर माँ की कृपा होने वाली है और माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है। जय माता दी। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।